क्या नाम है और यहाँ JPL हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम है जो आपने देखा बता दीजिए। सर ऑक्सीजन जैसे सिलेंडर ये लोग उतारते हैं, रेगुलर गाड़ी उतारते हैं, गाड़ी आती उतरती है, तो गाड़ी आज भी आई थी, वो गाड़ी उतर रही थी, वो लोग सिलेंडर उतार रहे थे, जैसे उन्होंने सिलेंडर उतार के रखा वैसे वो फट गया, और सिलेंडर फटने के वजह दोनों दो आदमी थे दोनों इधर उधर हो गए, दोनों एक की तो दोनों टांगें चली गई हैं और एक की तो टांग फट गई है पूरी उसका तो, और उसके मास के लोथड़े इधर उधर सब उड़ गए हैं, और सिलेंडर उतर उड़ के जो है वो एक गाड़ी पर गिरा है, वो गाड़ी के दोनों आदमी सही सलामत बच गए हैं, पर ये है लेडीज़ भी प्रेग्नेंट थी वो भी बच गई हैं, गाड़ी तो उनकी ध्वस्त हो गई पूरी, बाकी आस पड़ोस की जो दुकानें हैं उनमें भी थोड़ा झटका लग गया, जैसे उनका काउंटर टूट गया, बगल में सावंदा स्टोर है उसका तो काउंटर ही पूरा चला गया है, बस इधर उधर जो दुकान है उसमें भी थोड़ा झटका लगा है। अच्छा, उसकी वजह से नहीं सिलेंडर जैसे रेगुलर ये लोग लाते हैं गाड़ी, सिलेंडर बड़े बड़े होते हैं ऑक्सीजन तो ये लोग उतार के रखते हैं, पर जैसे इन्होंने रखा नीचे उतार के वैसे ही वो फट गया। दो ही लोग वो लेकर आए थे या और? सिर्फ दो लोग थे। अच्छा, दोनों लोग एक तो वहाँ लगाने जा रहा था, दूसरा एक पकड़े खड़ा था, जो उतार रहा था उसका फट गया। JP हॉस्पिटल बालागंज थाना ठाकुरगंज में आरिफ और शोभित नाम के दो व्यक्तियों द्वारा लोडर से ऑक्सीजन सिलेंडर उतारा जा रहा था, सिलेंडर गिरकर फट गया जिससे आरिफ और शोभित दोनों ही घायल हो गए तथा पास में ही खड़ी सेंट्रो कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। तत्काल थाना ठाकुरगंज की पुलिस के द्वारा दोनों को ट्रामा सेंटर भेजा गया जिसमें इलाज के दौरान आरिफ की मृत्यु हो गई है और शोभित की इलाज चल रहा है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम।